जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। तापसी पन्नू सोमवार को मुंबई में अपनी फिल्म दोबारा को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट में पहुंची। यहां उनकी मीडिया और पेपराजी से बहस हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। दरअसल तापसी इवेंट पर पहुंची और उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए उन्हें रोकने लगे, लेकिन वह नहीं रुकी। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई। इस पर पहले तापसी बोली, आप तमीज से बात करिए, और उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा गलती एक्टर की ही होती है। साक्षी तापसी जी रुकिए, साढ़े चार बजे से बोला है। डांट कर रहे हो, मेरी क्या गलती है? आपकी नहीं है, मतलब भी आपके लिए खड़े हैं। हां तो मैं तो मेरे को ऐसे क्यों सुना रहे हो? ना मतलब आपने बोला बंदा जा रहा है, क्योंकि वहां पे मुझे बोला गया रेडी हो, आपके लिए खड़े हैं साढ़े चार बजे से। आपके लिए जो बोला कि मैं मूव कर रही हूं, आप मेरे को सुन रहे हो? आपके लिए खड़े हैं ना, मतलब हम भी तो आपके लिए ऐसे ही बोल रहे हो जैसे कि मैंने आपको बताया। ले आ रही है रेडी की लेट है। तापसी जी रुकिए, आप देखिए, आप मुझसे दिल से बात कीजिए। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को जिस टाइम पे बुलाया गया था मैं हर जगह वहाँ पे पहुँची हूँ। आप मेरे से तमीज से बात करिए, मैं आपसे तमीज से बात करूँ। आपने नहीं किया, कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार ये कैमरा आप पे होता ना, आपको पता चलता आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं तापसी जी, हमने आपसे कोई गलत बात नहीं की। आपने गलत बात नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? रुक जाओ, ठीक है ठीक है, सॉरी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।